हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम आपसे बताएंगे एसएससी जीडी का आखिर जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, क्योंकि एक्चुअली कट ऑफ की भी बात करेंगे और हम आपसे बात करेंगे कि इसमें आखिर कितने लोगों ने फॉर्म डाला था और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया और कितने लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ा। और दोस्तों इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम का आपने एग्ज़ाम दे चुका है तो टेंटेटिव आपका रिजल्ट डेट भी बोर्ड मतलब इसके एसएससी के ऑफिशियल से आपको सूचना दी गई है, तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपके कब आपका टेंटेटिव रिजल्ट डेट है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए सारा कुछ शुरू करते हैं और फटाफट आपको बताते हैं कि इसमें आखिर क्या न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको इस चैनल द्वारा कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं बताई जाती, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल और सर्वथा सत्य बताई जाती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 मार्च को आपको यहाँ पर नोटिस आई है, एक अपडेट आया है लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में ssc.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि इंपॉर्टेंस अपडेट्स ऑन कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018। एक्चुअली मैं आपसे बताते हैं तो इसी के संबंधित आपको जो है सबसे पहले इसी पे क्लिक करना होगा। यदि आप इसको देखने चाहते हैं खुद के मोबाइल पर भी तो आप देख पाएंगे, उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। फर्स्टली आप इस वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखेंगे तो सारे कुछ आपको पता चलेगा इसके कट ऑफ के बारे में और आपको जो एग्जामिनेशन है आपका कितना टफ होने वाला है, आपका कंपटीशन किस लेवल तक जाएगा और आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है नियर अबाउट। इसके संबंधित आपसे जो कुछ छोटे से सर्वे के अनुसार आपसे बात किया जाएगा तो मैं उसके संबंधित भी आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दिया गया है वो क्या अपडेट है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद आपको एक वीडियो फाइल खुलेगी, उस वीडियो फाइल को आपको खोल के दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक हमारी पीडीएफ फाइल एक खुल के आ चुकी है, इंपॉर्टेंट अपडेट नाम से ये फाइल है। और सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफएफ एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2018 फ्रॉम 11 फरवरी 2019 टू 11 मार्च 2019 फॉर 18 डेज। लास्ट शिफ्ट ऑफ द एग्जामिनेशन वॉज कम्प्लीटेड टूडे एट 7:30 द साइलेंट फीचर ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवेन इन द टेबल बिलो। कहने का मतलब है इस एसएससी ने कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी से लेकर के 11 मार्च के बीच आपका 18 दिनों में कुल 54 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया, यानी कि आपको एग्ज़ाम को कंप्लीट करा लिया गया है। जो इसका लास्ट एग्ज़ाम था वह 11 मार्च को 17:30 पर समाप्त हुआ लास्ट बैच का। आपको पता होगा दोस्तों प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम कराए जाते थे, इस प्रकार कुल 18 दिन में चूंकि आपको पता हो गया कि एग्ज़ाम कराए गए तो आपको पता हो जाएगा कि 54 शिफ्ट में कुल एग्ज़ाम कराए गए थे। दोस्तों बात ये आती है कि इसमें कुल कितने कैंडिडेट्स या कितने अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहीं पर आपको दिया है कुल 52,20,335 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा रखा था। अब दोस्तों जी इतने अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था तो आप यहाँ पर देखिए नंबर 3 का नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन, अब आपको यहाँ पर जितने कैंडिडेट इसमें परीक्षा में भाग लिए थे उनका संख्या दिखाई जा रही है जो है 30,41,284। नियर अबाउट हम कह सकते हैं 22 लाख कैंडिडेट्स इसमें भाग नहीं लिए, उन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया। इस प्रकार वो जो कैंडिडेट छोड़ दिए तो उन्होंने इस कंपटीशन में ऑलरेडी ही बाहर हो गए, फर्स्ट स्टेप में ही उन्होंने बाहर कर दिया और ना ही वो एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो इस कैंडिडेट मतलब प्रतिभाग में भाग ही दारी ही नहीं, उनकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है। दोस्तों आप समझ लीजिए कि सबसे पहले तो आज अपने फॉर्म स्टार्ट किया था भरना तो उस टाइम आपको जो नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में आपको जो एसएससी के लिए वैकेंसी थी वो 54,000 समथिंग थी, लेकिन एक्चुअली में अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ऑफिशियली फिर से आपको बताई जा रही है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसी की बात की जा रही है तो इसमें 58,373, यानी कि नियर अबाउट आपके 4,000 वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार आपके जो एग्ज़ाम्स में भी आपके 22 लाख कैंडिडेट मतलब कम हुए और जो आपकी सीटें हैं वो 4,000 बढ़ गई। इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम और सरल हो जाएगा और आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जा सकती है। हम बात करते हैं 2015 की। दोस्तों आपने 2015 में एग्ज़ाम दिया था, आपने 2015 में अपीयर हुआ था तो उस टाइम की जो कट ऑफ थी वो बहुत हाई गई थी। इसका कारण ये था कि उस टाइम आपका जो एग्ज़ाम था वो चूंकि इस बार भी आपका माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्क क्वेश्चनिंग मार्क नहीं है तो इसलिए इस बार और उस बार दोनों परीक्षाएँ सेम थी। फ़र्क इतना था उस बार आपको समय मिला था 2 घंटे यानी कि 120 मिनट और इस बार आपको मिला है केवल 90 मिनट। दोस्तों फर्क बस इतना ही है कि जब आपको मतलब जब प्रश्न आपको 2 घंटे में हल करेंगे यानी कि 120 मिनट में 100 प्रश्न हल करेंगे तो आपके पास काफ़ी पर्याप्त समय होता है, क्योंकि वो था दोस्तों ऑफलाइन जिसके कारण आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स आप उसको अटैम्प्ट कर सकते थे।
जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन तो उसका डिटेल्स में आपको ये ध्यान देना होता है कि समय का भी ध्यान देना होता है और आपको सब कुछ अकॉर्डिंग ही चलना होता है। जब आप कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आप एक बार स्क्रीन देखेंगे, इसके बाद आप वहाँ पर उसको हल करेंगे अपने पेन से, तो इसमें टाइम का खर्च ज़्यादा होता है। आप जब रीजनिंग देखेंगे उसको एक बार पढ़ेंगे, फिर उसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो आपको देखने के बाद उस क्वेश्चन के साथ साथ आप दो तीन क्वेश्चन और भी मतलब आप माइंड में सेट करके देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जब ऑनलाइन एग्जाम होता है तो मतलब एक बार में केवल आप एक ही क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की केवल एक ही वीक पॉइंट है यही, क्योंकि इसमें समय दोस्तों कुछ यह होता है कि जो आप गोला करने में आप समय लगाते हैं, इसमें आपको गोला नहीं करना होता, वो समय आपका बचता है। नियर अबाउट आप 10 मिनट का समय ऐसे बचा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, एग्जाम आप 2015 में ऑफलाइन दिए थे लेकिन आपका एग्जाम 120 मिनट का हुआ था, और आप जब 2019 में आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका एग्ज़ाम 120 मिनट के जगह पर केवल 90 मिनट का कराया गया, और आपका जो समय था वो 30 मिनट का कम कर दिया गया था, और आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन था जिसके कारण आप जब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपके समय ज़्यादा लगेंगे। इस कॉर्ड से कट ऑफ इस बार भी कुछ कम हो सकती है, जिसके कारण हमारी टीम ने एक सर्वे किया। उस सर्वे की वजह से हमको बताएंगे कि आपका जो कट ऑफ नियर अबाउट क्या जा सकता है। दोस्तों, जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी इसके 5 अंक आगे या 5 अंक पीछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको कभी भी घबराने का जरूरत नहीं है। यदि आपके 5 नंबर कम हैं या 5 नंबर ज़्यादा हैं तो आप फिजिकल की तैयारी ना छोड़ें, क्योंकि आप जब इस कट ऑफ के मतलब इर्द गिर्द हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि मैं बता ही रहा था कि आपको इसमें आपका एग्ज़ाम डेट भी बताया गया है कि आपका आपका रिजल्ट डेट भी बताया गया है, तो आपका रिजल्ट कब आ जाएगा ये भी आपको पता चल जाएगा इसी वीडियो में। क्योंकि दोस्तों मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आपको ऑफिशियल आपको बताया गया है, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया, आपको ऑफिशियल आपको अपडेट दिया गया है SSC के तरफ से। चलिए दोस्तों, ये सारी तो बातें हो चुकी, अब हम बात कर लेते हैं आपका इसमें अपडेट, आपको जो बताया जा रहा है आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर 22 डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यहाँ पर आपको एक डेट दी जा रही है 31 मई 2019, यानी कि 31 को आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका 22 एग्ज़ाम रिजल्ट डेट है। अब इस फाइनली हम इसका जो आपको कट ऑफ के बारे में बात करने वाले थे, तो अब कट ऑफ की बात ही कर लेते हैं। इसमें फाइनली अब कट ऑफ कितना जाने वाला है, जो दोस्तों आपको कट ऑफ की बता देते हैं कि इसमें आपको फाइनली कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जनरल की हम बात करेंगे, जनरल की, उसके बाद फिर OBC की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे SC की और ST की, और एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें आपको फुल डिटेल के साथ हमको आपको जो कट ऑफ है उसका अभी हमारा आंकड़ा कुछ चल रहा है, जो पूरे हर एक वर्ग हर एक क्षेत्र से हमने एक सर्वे का मतलब एक सर्वे का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद हम आपको एक वीडियो देंगे जिसमें आपको कंप्लीट और एक सटीक एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया जाएगा। फर्स्टली आप नियर अबाउट एक समझ लीजिए कि एक आंकड़ा है, उसी आंकड़े के अनुसार आपको बताया जा रहा है कि आपका जो जनरली कट ऑफ है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, तो आपका क्या रहेगा, तो आपके फिजिकल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल के लिए। यदि आप जनरल के लिए 78 से 82 के बीच में हैं, 72 से 82 के बीच में हैं, तब आप फिजिकल की तैयारी दौड़ की तैयारी अपना कंप्लीट करने के लिए प्रयास कर लीजिए। अब हम बात करते हैं OBC के लिए। OBC यदि आप 74 से 76 के बीच में हैं, 74 से 76 के बीच में हैं, तब आप OBC कैंडिडेट्स भी फिजिकल की तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। बात करते हैं दोस्तों SC की, तो SC आप यदि 70 से 74 के बीच में हैं तो आप अपना फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर लीजिए, क्योंकि आपका कट ऑफ नियर अबाउट 5 अंक ज़्यादा 5 अंक कम हो सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, आपके जो कट ऑफ के नंबर बताए जा रहे हैं इससे आपके 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम के आपके कट ऑफ आ सकती है। अब बात करते हैं ST की, तो ST का आपका आएगा 66 से 70 के बीच में आपका ST का कट ऑफ हो सकता है। दोस्तों ये कोई कंफर्म नहीं है, ये कोई मतलब इस पर फिक्स नहीं है कि यही होगा, लेकिन नियर अबाउट एक आंकड़े के मुताबिक बात की जाए तो आपका यही कट ऑफ होने वाला है ऑल इंडिया की। दोस्तों मैं किसी स्टेट किसी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आप ये समझ लीजिए, पिछली बार हम कट ऑफ देखें तो कई जगह पे कुछ हाई थे कई जगह के कम थे, तो उस कंडीशन उस मतलब टाइप के भी रिजल्ट हम आपको बात करेंगे आपको लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपके जो इतने इंपॉर्टेंस थे आपको पता चल गया, तो सारे कुछ ऐसा ही अपडेट आपको करा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों सब कुछ आपको ऑथेंटिक है, आपको इस चैनल से सब कुछ ऑथेंटिक ही दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तो दोस्तों बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।